मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब उपचुनाव का रण नजदीक है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को काउंटिंग होनी है। सोमवार को बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार फाइनल कर लिया है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पीसीसी ने एआईसीसी को 4 नामों के प्रत्याशियों का पैनल भेजा था। इनमें से आलाकमान ने एक नाम पर मोहर लगा दी है। खबर के मुताबिक अमरवाड़ा उपचुनाव में नवीन मरकाम ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। आज शाम या कल सुबह तक इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। अरे भाई, 4 दिन पहले तो यही कांग्रेस के एमएलए थे, 3 बार एमएलए रहे हैं, इनकी माताजी 2 बार एमएलए रही, मेरे साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य थी। ये भैया कांग्रेस ही है, ये बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है। अब जो उम्मीदवार खड़ा होगा वो भी कांग्रेस का होगा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी का उम्मीदवार है ही कहाँ इस चुनाव। सर, कांग्रेस अपना उम्मीदवार कब तक घोषित करेगी, क्या आज या कल में हो जाएगा? कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले नवीन मरकाम के नाम का ऐलान जल्द ही होगा। आपको बता दें कि उपचुनाव मरकाम का पहला बड़ा चुनाव हो सकता है। अमरवाड़ा से जिला पंचायत सदस्य नवीन काफी वक्त से कांग्रेस से जुड़े हैं। आपको बता दें कि 4 नामों पर मंथन के बाद नवीन मरकाम के नाम पर आम सहमति बनी है। बहरहाल अब से चुनावी रण के लिए महज 22 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में जहां कांग्रेस एक बार फिर छिंदवाड़ा में परचम लहराने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कमलनाथ का गढ़ दहाने से उत्साहित बीजेपी भी फुल कॉन्फिडेंस में है। अब ये तो 13 जुलाई को ही तय होगा कि अमरवाड़ा में किसका डंका बजता है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।